अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नेम है एप्पल मुरब्बा रेसिपी। आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम एंड में डिफ़ाइन भी करेंगे। तो चलते हैं इस रेसिपी की जानिब। और इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं 2 kg एप्पल्स, उनको अच्छे से वॉश करके छील लिया है, और 2 kg शुगर, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच टाटरी पाउडर, आधा चाय का चम्मच सीरा साबत, आधा चाय का चम्मच नमक लेना है। अब हम एक खाली पैन के अंदर 1 लीटर पानी डाल के सारे सेबों को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इनको 8 मिनट्स के लिए ढक कर अच्छी तरह से पकना रख देंगे। आंच जो है हमने नॉर्मल रखनी है ताकि पानी ना उबले। अब हम इसको चेक करते रहेंगे, अगर तो सेब अच्छे से कुक हो चुके हैं मिडल में, इनको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे और फिर इनको हम कुछ टाइम के लिए पकना रख देंगे। जब टोटल 8 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इनके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, और स्लो स्लो शुगर ऐड करते जाएंगे, और इसको हम मज़ीद 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, जब तक के शुगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाती और ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अब सेब अच्छे से बॉयल होने लग गए हैं, तो अब हमने इसके अंदर 3 इलायची के दाने लेकर उनका पाउडर बना के वो अच्छे से ऐड कर देना है, और इनको थोड़ा सा हिला के देख लेना है कि ये किस तरह से कुक हो रहे हैं, और अगेन इसको हमने कवर कर देना है। फिर हम इसके अंदर जो भी हमारे स्पाइसेस थे लाइक टाटरी पाउडर, जो कि इस मुरब्बे को 1 से 2 साल तक अगर हम प्रिजर्व करना चाहें तो हमें हेल्प आउट करता है और इसको फंगस वगैरह नहीं लगने देता। फिर इसके साथ हम दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर और साबुत ज़ीरा, और इसको अच्छे से हम हिलाएंगे, एक दफ़ा चेक कर लेंगे, और इनको थोड़ा सा हम पलट देंगे, फिर दोबारा से ढक के रख देंगे पकना। जैसे ही 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं और जो भी एप्पल्स हैं उनका कलर बिल्कुल गोल्डन आ जाएगा और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन की फॉर्म में आने लगेंगे, तो हम आंच को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल चुका है, शीरा इसका थोड़ा सा थिक हो चुका है, तो हम इनके ऊपर कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे, जो भी आप अपनी विश के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना चाहें। सेब का मुरब्बा रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी होती है, हम कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो इसको एज अ स्वीट के तौर पे भी उनके आगे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लाइक जो एप्पल का मुरब्बा है ये रिंकल्स को, ब्लेमिशेस को हमारी स्किन से दूर रखता है और हमारी स्किन को लॉन्ग टाइम तक वाइटल रहने में हेल्प आउट करता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो जानते हैं ना आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।